Hey, what's up guys? This is Suraj and welcome back to my YouTube channel Jerus Vlog. So आज का थोड़ा महंगा अनबॉक्सिंग होने वाला है. हालांकि लास्ट दो तीन ब्लॉग जो है अनबॉक्सिंग वाला ही हुआ है मेरे चैनल पे. So आज का वीडियो थोड़ा महंगा होने वाला है, महंगा अनबॉक्सिंग होने वाला है. So सुबह का हो रहा है 9:49 और मैं अपने शॉप पे हूँ एज यूजुअल. दुकान पे थोड़ा काम कर ले, उसके बाद मेरा थोड़ा काम रहता है दमदम जाने का. दमदम से घूम के आऊँ, आने के बाद दोपहर को जाते हैं घर में 2:30 बजे करीब. अच्छा से बैठ के अनबॉक्सिंग करते हैं. मैंने कहा था आप लोगों से कि कुछ दिन बाद मेरे को एक अपग्रेड करना है कैमरा में यूट्यूब के लिए. सो वो फाइनली वो दिन आ चुका है. हालांकि मैंने अनबॉक्सिंग कर ली है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए फिर से एक बार यूट्यूब में अनपैक किया जाएगा उस प्रोडक्ट को. सो काफ़ी महंगा प्रोडक्ट था, शायद थंबनेल में आप लोग देख लिए होंगे. अगर नहीं देखे तो बहुत बढ़िया बात है, पूरा वीडियो देख लेना. सो मिलते हैं. अभी एक कस्टमर आया था मेरा, तो मैं वीडियो शूट कर रहा था उस टाइम पे. तो कहने कि उन्होंने सोचा कि मैं अपने वाइफ से बात कर रहा हूँ. तो उन्होंने क्या कहा, हाँ दिखा दो कस्टमर आया है दुकान में. बोलो कि दुकान में कस्टमर है. चलो अभी थोड़ा दुकानदारी कर लेते, उसके बाद घूम के आके फिर मिलते हैं आप लोगों से अनबॉक्सिंग के टाइम. मैंने यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ रहता था, एक मॉनिटर भी है. मॉनिटर तो वहाँ पे उसका सीपीयू ख़राब हो गया, तो उसका सीपीयू बनाने के लिए 8,000 रुपये लगेगा. और यहाँ पे जो मेरा लैपटॉप था जिसमें मेरा काम होता था, डेटा वगैरह सब था, तो लैपटॉप तो कुछ दिन से प्रॉब्लम कर रहा था. कीबोर्ड भी काम नहीं कर रहा था और स्लो भी हो गया था. तो मैंने SSD 4GB रैम पूरा सर्विस वगैरह करने के लिए दिया हुआ है, फॉर्मेट भी कर देंगे. उसके बाद से अभी तक हमने जो वीडियो रेंडर करते थे हम, वो होता था फ़ोन से. इसके बाद से हम रेंडर करने लगेंगे या तो एडिट करने लगेंगे अपने कंप्यूटर से, मतलब लैपटॉप से. ये देखो एक भाई है. ये कल मेरे को वो मिठाई दुकान पे बुलाया था, बोला कि सूरज दा आओ. तो हम गए, बोले कि कैसे हो. हमको लगा मिठाई वगैरह खिलाएगा, इसी कारण गए कि राजू खिला रहा है मेरे को मिठाई. तो हम चले गए वहाँ पे, बोले कि भैया हमने तो ऐसे ही बुलाया है, मिठाई विठाई कुछ नहीं है. फिर वो सिंगारा लेने आया था, वो ख़त्म हो गया, वो चला गया. फिर मतलब पूरा धोखा दे दिया कल ना मेरे को. कभी पैसा होगा तो खिलाएगा ना. ठीक है चलो. सो गाइस अभी बंद कर रहे दुकान, और ये रहा हेलमेट, और बाइक दिखा देते हैं एक बारी. वो रहा मेरा बाइक, तो चल निकलते हैं. तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:06 और हमारे पीछे कहाँ गया भाई. हाँ. वो देखो, इसको पहचान में आ रहा है. ये जिस टाइम पे हमने फोर व्हीलर लिया था, ये वही दोस्त है हमारा जो फोर व्हीलर लाने में उस टाइम पे मदद किया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को फोर व्हीलर चलाने नहीं आता था. सही है ना. 1:30 बजे बंद करेंगे, उसके बाद घर में जाएंगे, अनबॉक्सिंग दिखाएंगे आपको पूरा का पूरा. बस और क्या, और अब से रेगुलर वीडियो डालने का कोशिश कर रहे हैं. आज से वो स्टार्ट हो गया, अभी देखते हैं कब हो पाता है, रेगुलर कंटेंट कैसे क्रिएट कर पाते हैं हम. चलो ये रहा फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास. तो पहले तो वो छोटा सा क्लिप देख लो शोरूम वाला, जहाँ पे हम लोग इसको फर्स्ट अनरैप और बूट किए थे, फर्स्ट बूट. और उसके बाद फिर से वापस आते हैं. सो ये रहा आईफोन 12 128GB ग्रीन कलर, और ये भैया जो है अनबॉक्सिंग करने वाले, और ये है क्रोमा स्टोर से हमने लिया हुआ है. सो भैया कीजिए अनबॉक्सिंग, अनरैप. पहले तो अनरैप किया जाएगा, क्योंकि चेक करके लेना बहुत ज़रूरी रहता है ना. कुछ भी डैमेज हो सकता है, तो वो यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगा. ओहो थोड़ा कलर को फ्लिप कीजिए ना, पैक को सही लग रहा है बहुत. पहले एक बार देख लीजिए, जैसे आपको लोगो जैसा आता है ना. हाँ. देखने का अच्छा से ब्लैक टू को जब एप्पल का लोगो आता है. अनबॉक्सिंग करने के लिए थैंक यू.
फाइनली इसको अनबॉक्स किया जाए। कलर तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, यहाँ पे ग्रीन कलर वाला जो लाइट ग्रीन नया निकाला था आईफोन 12 में, और ये रहा फाइनल प्रोडक्ट। इसके साथ कुछ नहीं आता है, जस्ट केबल और इसके अंदर सिम ट्रे का जो निकालने वाला पिन रहता है वो पिन, दैट्स इट। चार्जर आपको अलग से 2000 खर्च करके खरीदना पड़ेगा। अभी शायद 1900 का चार्जर 100 रुपीज लेस हो रहा है, जैसे कि पता है ये ऑलरेडी हमने बूट कर चुके हैं। तो आप क्लोजली आओ, थोड़ा दिखा देते हैं इन लोगों को। ये जो है हमने 2 दिन से यूज़ कर लिया है, इसमें बैक प्रोटेक्टर लगा हुआ है, कैमरा ग्लास भी लगा हुआ है, और अपना आईडी भी जो है पुराना आईडी था वो भी क्रिएट कर लिया है इसमें। और अभी स्विच करते हैं इस कैमरे को, मतलब जो कैमरा से हम वीडियो बना रहे हैं उससे आईफोन का कैमरा पे। सो गाइस अभी टाइम हो गया 2:10, वहाँ दिखा नहीं सकता क्या हो रहा है, लेकिन ये जो है 4K 30fps पे फ्रंट कैमरा से शूट हो रहा है। और ये रहा हमारे पास गिम्बल, जैसे कि ये देख रहे हो ये सेक हो रहा है, और ये अगर 4K 60 फ्रेम पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये सेक काफ़ी कम जाता है, स्टेबिलाइजर्स जो है। तो मेरे को अगर 4K 30 फ्रेम पे हम रिकॉर्ड करते हैं तो मेरे को ये गिम्बल चाहिए शूट करने के लिए कोई भी चीज़ को या तो ब्लॉग को। और अभी स्विच करते हैं बैक कैमरा पे। सो ये रहा 4K 30fps आईफोन 12 का बैक कैमरा, और इसमें आप वाइड एंगल भी ले सकते हो, नहीं बताया कि नहीं, देख लेते हैं। एक मिनट, ये रहा नॉर्मल, ये है वाइड एंगल। सो दोनों कैमरा मस्त है, फ्रंट हो या बैक हो। अभी कहने कि इसके साथ गिम्बल भी ऐड हो जाएगा तो वीडियो स्टेबिलाइजर काफ़ी अच्छा होगा। थोड़ा वो शॉट दिखाते हैं आप लोगों को, इसको एंजॉय करो फिर। कंप्लीट, और अभी टाइम हो गया 2:21, और साइन जी आज दोपहर को मेरा घर आया था, मैंने बोला कि आया है तो एक काम कर दे, और ये भी है खाना भी खा के जाने के लिए बोला, खाना भी खा के जाना। आज दोपहर का नाश्ता क्या होगा पता है? चौकोस और दूध। अब किसी को खाना है तो ये दूध का पैकेट है, चौकोस है। टाइम कितना हो रहा है ये देखो, और टाइम हो रहा है 2:21। सोच लो दोपहर का खाना हम लोग का चौकोस होने वाला है। होप कि आज का वीडियो, इसका खास करके इस प्रोडक्ट का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो क्या करना है पता है? लाइक शेयर और सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे चेकआउट जरूर कर लेना, मेरे को 100K पहुंचाना है। 100K कुछ तो कंटेंट तो चाहिए ना, इसका पैसा उठा रहा है। होप कि आज का वीडियो अच्छा लगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल शायद एक ब्लॉग आने वाला है, मतलब ये वीडियो जो अपलोड होगा 1-2 दिन बाद। आज है, आज कितना तारीख है? 13। आज है 13, 14th को और एक वीडियो होने वाला, वो मे बी 15th या 16th को यूट्यूब में आ जाए। तो लेकिन ये जो है ना, ये वीक थोड़ा बिजी होने वाला हो, यूट्यूब पे भी आने वाला, ये जो जितना सारा आपको वीडियो जो है बनाएंगे, देखते हैं कि 1-2 हफ्ता बना के तो देखें कि कितना पॉसिबल है, मतलब पॉसिबिलिटीज है। अभी तो वीडियो बनेगा क्योंकि आईफोन आ गया मेरे हाथ पे, रील्स भी बनेगा, वीडियो भी बनेगा, अच्छा अच्छा शॉर्ट्स भी मिलेगा आप लोगों को। पैसा भी उठाना है इसका। पैसा, वो पैसा उठाना है इसका, इसका पैसा उठाना है।